बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति के बाद जल जमाव झेलती बिहार की राजधानी पटना में मधेपुरा से पूर्व सांसद पप्पू यादव लगातार लोगों की मदद करते दिखे। जगह जगह जाकर जरूरतमंदों के बीच पप्पू ने राहत सामग्री बांटी और वो खुद इस दौरान काफी एक्टिव दिखे। जल जमाव की निकासी के बाद अब जल जनित बीमारियों से लोग परेशान हैं। ऐसे में एक बार फिर पप्पू यादव ने एक नेक पहल करते हुए मेडिकल कैंप लगाने का काम किया है। उन्होंने जल जमाव से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके यानी कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में कई मेडिकल कैंप लगवाए हैं और उसे आम जनता के लिए समर्पित कर दिया है। यही नहीं, इन कैंपों का उद्घाटन भी उन्होंने खुद नहीं किया बल्कि स्थानीय बुजुर्गों से ही करवाया। आपको बता दें कि इससे पहले पप्पू लगातार लोगों के बीच जाकर खाना, पीने का पानी, दूध, पैसे और दवाएं बांट रहे थे। वो दिन में ही नहीं, रात में भी लोगों की कमर तक पानी में मदद करते दिखे और उनके वीडियोस सोशल मीडिया साइट पर खूब वायरल हुए। साथ ही उनके इस अंदाज को लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब सराहा। कई लोग उनके काम से इतने प्रसन्न थे कि बिहार की जनता की मदद के लिए खुद आकर उन्हें पैसे भी देते दिखे। पप्पू भले ही किसी सरकारी ओहदे पर फिलहाल नहीं है लेकिन फिर भी वो लगातार लोगों की मदद और उपचार में लगे हैं। पप्पू का काम कई लोगों के लिए प्रेरणा है। मेडिकल कैंप लगने के बाद अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो। आप दोनों अपना नाम बता दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।